हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संजीत सिंह। तो आज हम लोग कवाली गांव में आए हुए हैं। इस छोटा सा गांव में आज हम लोग एनीमिया का प्रोग्राम देने वाले हैं। हम लोग YBN कॉलेज के स्टूडेंट हैं। एनीमिया ये क्या होता है? एनीमिया ब्लड की कमी से होता है, जिसको रिकवर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, फल की ज़रूरत है, फ्रूट्स की ज़रूरत है, और साथ में बोले तो एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़रूरत है। तो इसको हम लोग एक छोटा सा नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग के बीच नाटक स्टार्ट करते हैं। आभार, अभिनंदन, यहाँ आए हुए आप सभी ग्रामीण वासियों को YBN कॉलेज की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। महिला एवं बाल विकास भारत सरकार के अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे भारतवर्ष में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें YBN कॉलेज बीएड कॉलेज की ओर से इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीमारी हमारे शरीर में हमसे पूछकर नहीं आती है, बल्कि जाने अनजाने में किसी भी कारण से हमारे शरीर में आ जाती है। तो आइए एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जानें कि एनीमिया रोग क्या है। एनीमिया रोग का मतलब है खून की कमी का होना। यह 12 से 45 वर्ष के बीच के महिलाओं के में एनीमिया होने की संभावना होती है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो खून की कमी से होती है, और इससे और भी बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। एनीमिया में पीड़ित महिला को प्रसव के दौरान मरने की संभावना बहुत अधिक होती है। आइए अब जानते हैं कि एनीमिया रोग के होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अरे ये तुम्हारी त्वचा और नाखूनों का रंग सफेद कैसे? ये बहुत दिनों से ऐसा ही है, बीमारी हमको कुछ नहीं है। आइए इस चीज में ध्यान देने की आवश्यकता है। त्वचा का सफेद रंग, नाखून का सफेद हो जाना, आंखों के पलकों के नीचे की त्वचा का सफेद हो जाना, जीभ का सफेद हो जाना, ये सभी एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं, जो खून की कमी की वजह से होता है। अरे अरे बहन, क्या हुआ तुम्हें? इतना सांस तुम्हारा क्यों फूल रहा है? बहन, मुझे सांस लेने में काफी कष्ट हो रहा है और बहुत ज्यादा सांस प्रॉब्लम हो रहा है। तुम्हें पता है सांस कब फूलता है? जब हमारे शरीर में खून की कमी बढ़ जाती है, ऐसा सांस फूलने लगता है, थकावट होती है। तुम एक बार जाके डॉक्टर से अपना उपचार कराओ। ठीक है मैम। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे इस महिला का सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। एनीमिया के कारण हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है। तो आप सभी को अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें, अपना उपचार जा करके कराएं। धन्यवाद। मेरी बहन, क्या हुआ आपको? पता नहीं भाई साहब, मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आप अपने सर में हाथ रखे थे? हाँ जी जी। कब से हो रहा है आपको ये? भाई साहब, मुझे 4-5 दिनों से ये हो रही है। मैं बैठती हूँ और जैसे खड़ी होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊँगी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये गंभीर समस्या है आपको? 4-5 दिनों से आप स्वस्थ नहीं हैं, क्लिक कर लीजिए। आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए और इसके इलाज के लिए बात करनी चाहिए। तो देखा आप सबने कैसे ये महिला पिछले 4-5 दिनों से अपने सर में चक्कर को अनुभव कर रही है। तो आप सब भी अगर ऐसा अनुभव करें तो इसे नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द डॉक्टर से बात करें, इसके इलाज करें। जैसा कि अभी आप सब ने जाना कि एनीमिया रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, आइए अब ये जानते हैं कि एनीमिया रोग के होने के कारण क्या हो सकते हैं। शरीर में लौह तत्व की कमी, कहा जाता है आयरन की कमी के कारण हमारे शरीर में
खून की कमी हो जाती है जिससे एनीमिया रोग बढ़ जाते हैं। मलेरिया होने के कारण भी हमें एनीमिया हो सकती है। बार बार गर्भ धारण करने से भी एनीमिया का कारण हो सकता है। गंभीर चोट लगने के कारण खून बह जाने से भी एनीमिया होने की संभावना होती है। महामारी के दौरान खून अधिक गिरने से भी हो सकती है। पेट की कृमि की समस्या और अन्य पेट की समस्याओं के कारण भी एनीमिया की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि एनीमिया रोग को आयुर्वेदिक विधि से कैसे हम उसका उपचार कर सकते हैं। आयुर्वेदिक यानी कि बिना किसी दवा का सेवन किए हम एनीमिया से रोग मुक्त हो सकते हैं। काली या लाल चाय और या कॉफी का कम उपयोग करके हम एनीमिया से सुरक्षित रह सकते हैं। अधिक से अधिक हरी सब्जियां खाएं, जैसे गाजर, मूली, शलगम और खीरा खाएं और प्रतिदिन इसका जरूर सेवन करें। सब्जियों में मशरूम खाएं, सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, मांस मछली ये सब का सेवन करें। इससे खून बनता है और एनीमिया को हरा सकते हैं। फल सब्जियों में ज़्यादा पैसा लगते हैं तो आप चना गुड़ भी खा सकते हैं। नमस्ते। योग को अपने प्रतिदिन के जीवन में अपनाकर हम इस गंभीर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। योग हमारे जीवन के लिए अति कल्याणकारी है, हमें इसे अवश्य ही अपनाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि योग और प्राणायाम को अपने जीवन में डेली के लाइफ में अपने जीवन में हम कैसे लाग करके उससे रोग मुक्त हो सकते हैं और एनीमिया से बच सकते हैं। तो आइए अब योग। पहले तो हमें अपने दाएं पैर को ऊपर करना है, फिर अपने बाएं पैर को ऊपर करना और इस पूरे शरीर को सीधा करके स्ट्रेट बैठना और ओम का उच्चारण करना। ओम के उच्चारण करते ही हमें ओम के उच्चारण करने से हमें सकारात्मक व मानसिक रूप से बहुत शांति प्राप्त होती है। ओम के उच्चारण करने से हमारे सराउंडिंग में बहुत सकारात्मक एनर्जी प्राप्त होती है। ओम के उच्चारण से ही हमारे शरीर में शुद्धि की प्राप्ति होती है हमें, और ना सिर्फ शुद्धि होती है, हमारे रक्त से संबंधित, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी प्रकार की शुद्धियों की आवश्यकता होती है, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरा है अनुलोम विलोम। हाँ, इस क्रिया के लिए, योग की इस क्रिया के लिए अपने दाहिने हाथ से अंगूठे से नाक के एक छिद्र को बंद करेंगे और नाक के दूसरे छिद्र से सांस भरेंगे। फिर सांस को रोक देंगे उंगली से और अपने पहले वाले छिद्र से ही सांस को निकाल देंगे। इस क्रिया को अगले कई बार तक करेंगे। एक के बाद एक नाक की नली से सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस को लेने के बाद कुछ क्षण तक रोक लीजिए सांस को, उसके तत्पश्चात ही सांस को छोड़िए। योग की ये क्रिया हमारे लिए अति आवश्यक है। इस गंभीर बीमारी एनीमिया में तो सहायक है ही, अन्य कई सारी समस्याएं जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं इसके लिए अति आवश्यक है।
इस क्रिया से हमारे सांस की समस्या समाप्त होती है, हमें श्वसन की शक्तियाँ बढ़ती हैं और रक्त को भी स्वस्थ पहुँचता है। इसके साथ साथ शरीर में ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। प्राणायाम, कपालभाति। अब हम लोग जानेंगे योग की अगली क्रिया कपालभाति। इस क्रिया में अपने सांस को अंदर भरेंगे नाक की सहायता से और अपने पेट के बल से ही नाक के ही छिद्र से सांस को फिर से बाहर अपने पेट के बल से सांस को बाहर छोड़ेंगे इस प्रकार से। सांस को छोड़ने की क्रिया में पेट की सारी शक्तियां लगा देंगे जिसमें पेट की जो हमारी पाचन शक्ति है उससे मजबूत होगी। अपने पेट के बल से ही सांस को बाहर छोड़ देंगे सांस लेकर के। जैसा कि हम सभी जानते हैं भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है। भोजन करते हैं तभी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो हमारे लिए भोजन तो अति आवश्यक है और पेट हमारा अति महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। हमें जितने भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्ति होती है, चाहे वो रक्त से संबंधित हो, चाहे वो हमारे बल से संबंधित हो, मांसपेशियों से संबंधित हो, धमनियों से संबंधित हो, मस्तिष्क से संबंधित हो, कहीं से भी अगर ऊर्जा प्राप्ति होती है तो जो भोजन करते हैं पेट में जो भोजन जाता है उसी से ऊर्जा प्राप्ति होती है। तो पेट का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इस क्रिया से ना सिर्फ पेट को ही सहायता प्राप्त होती है, स्वास्थ्य पहुँचता है, बल्कि इस बीमारी के लिए जो हम लोग सभी अभी प्रयास कर रहे हैं उसमें भी अति सहायक है ये। पेट से ही जिस भोजन से हमें फिर रक्त में परिवर्तन होगा, उस ऊर्जा से उस रक्त को बहुत ही अच्छा शुद्धि पहुंचता है, उसकी बढ़ोतरी होती है। जिसकी कमी से एनीमिया बीमारी होती है उस बीमारी से लड़ने में हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। इसलिए हमें इस क्रिया को, योग की इस क्रिया को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अवश्य ही लाना चाहिए, अपनाना चाहिए। इसे कहते हैं कपालभाति, अर्थात सांस को लेने के पश्चात पेट के बल से ही सांस को बाहर छोड़ देना, अर्थात पेट को मजबूती देना, पेट के पाचन क्रिया को मजबूती देना, पेट में जितने भी प्रकार के अंग हैं उन सबको स्वास्थ्य पहुंचाना। धन्यवाद। जैसा कि आप सब ने अभी देखा जाना कि एनीमिया रोग क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसके कारण क्या है, और आयुर्वेदिक विधि से हम कैसे उसका उपचार कर सकते हैं, और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करके कैसे अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और एनीमिया से रोग मुक्त हो सकते हैं। जन जन में जागरूकता फैलाना है, जन जन में जागरूकता फैलाना है। Personal dreams.
कम से कम। माँ बच्चे को स्वस्थ बनाना है, माँ बच्चे को स्वस्थ बनाना है, जन जन जागरूकता फैलाना है, जन जन जागरूकता फैलाना है। राष्ट्रगान के लिए सभी अच्छे से खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उच्च कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा, तब शुभ कॉलेज से हमारे पदाधिकारी स्टूडेंट जितने लोग आए हैं, मैं यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे गांव वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आप आज का जो प्रोग्राम हमारे बीच में रखा बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही झलकदार था, क्योंकि आप जुलूस करते हुए रैली करते हुए हमारे आंगनबाड़ी में आए। और जो नाटक नुक्कड़ जो दिखलाए वो भी बहुत ही सराहनीय था, और हमारे गांववासियों के लिए, हमारे माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। और एनीमिया के बारे में जो भी बताए और नाटक नुक्कड़ दिखाए उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। एनीमिया के लक्षण बताए, उनके रोकथाम को बताए, और क्या क्या खाना है ये सब के बारे बताएं, मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और ग्रामवासियों को मैं यही कहती हूँ, जो भी बताया गया है हमारे पदाधिकारी स्टूडेंट या किसी के द्वारा, सबके द्वारा बताया गया है, तो उनको अमल करें, याद रखें, और उसके अनुसार उनका पालन करें, सेवन करें। इतना ही मैं कहकर अंत करती हूँ। धन्यवाद। कभी ऐसी जरूरत पड़ेगा तो आप संपर्क करेंगे। देवल इनका एक आइए ना, हाँ इसको पकड़ लीजिए। क्या क्या देखे हम लोग, क्या क्या देखे अभी हम लोग आए थे, अभी है ना, अभी क्या क्या देखे हम लोग, नाटक था, नाटक नहीं हुआ था। केला खाने मजा आया? अच्छा खाने वाला पूछे, खाने खाया नहीं खाया है बेटा, ये लोग खाने नहीं मिला अभी तक, केला नहीं मिला है पॉकेट में। अच्छा बच्चा तो इसको पकड़ने में पूरा भिजी है, तो कहाँ से खाया केला? अच्छा कैसे में मजा आ रहा है केला खाने? हाँ अरे पूरा खा तू, का कमी नहीं करना, पूरा छिलो और खा। हाँ दीजिए केला दीजिए, और अब पूछिए पूछिए उससे। हाँ दीजिए केला दीजिए, इधर बैठो, इसके पास है। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बैठो उसको ना, बैठो एक बैठो यहाँ, बैठो अपने इसको दिखाना है, केला को दिखाना है। अच्छा अभी उसको रख दीजिए, अभी उसको रख दीजिए, अभी जो पूछ रहा है उसका जवाब, अरे जो पूछ रहा है उसका जवाब। हाँ पूरा दीजिए, केला दीजिए, चले खाइए, दिखाओ सब केला, दिखाओ। हाँ खा के दिखाओ, खा के दिखाओ, तुम खा के दिखाओ, चलो खाओ जल्दी खाओ। ये तो बंदर पर जाती का लग रहा है। बहू पूछ है कि नहीं तेरा, दिखा दो, पूछ है कि नहीं, पूछ नहीं, अच्छा गायब हो गया। इधर उधर नहीं, ठीक से खा के दिखाइए, छिलो छिलो। हाँ इधर उधर का चलो, ठीक है ठीक है, उसको उसको करने दीजिए, उसको अपने मन से करने दीजिए, गिराएगा नहीं है ना। हाँ अभी अभी खाओ और फिर बताओ कैसा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है क्या? भाग गया ना एनीमिया, दूर भाग जाएगा इसको खाने से, समझ रहा है ना? इसी तरह रो जाएगा है ना, बढ़िया से पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है ना? बड़ा बड़ा पेपर में नाम आएगा तुम लोग का भी, ठीक है? रोज स्कूल जाएगा है ना बाबू लोग, तुम लोग भी एक दिन ऐसे ही बनेगा है ना, ठीक? हाँ हाँ जरूर आएंगे, तुमको नहीं भूलेंगे, खाओ पूरा खाओ, झगड़ा नहीं करना है, पढ़ना है, ठीक है? एट लास्ट सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, अब हम लोग YBN कॉलेज की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो यहीं से वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।